Yo, what's up, Abby? Buddy is your little boy. Here and welcome back over the edge, another like episode of Minecraft. Another भी राइट भाई, एक दो महीने से मैंने माइनक्राफ्ट खेला, अभी तक पूरा एक दो महीना हो चुका मैंने फिर भी शैडोज ऑफ करके रखे हैं, वो भी ऑप्टिफाइन से लगा के खेलते हैं। गेमर फ्लीट इतना बड़ा यूट्यूबर लेकिन मतलब वो लगा के नहीं खेलता, तो भाई मैं क्यों लगा के खेलूँ? मुझे कौन सा भाई क्या मतलब खतरनाक कौन स्पोर्ट खेलता है, उसका पीसी कुछ ज़्यादा ही हाई एंड होगा। डोंट डिस्टर्ब मोड पे सेट करना पड़ेगा, चलो हाँ। तो खतरनाक ऑन स्पॉट यूज़ कर रहा है लेकिन उसके पास कुछ ज़्यादा ही अच्छा पीसी है। मेरे भाई मेरे पास भी है लेकिन मतलब भाई क्या मतलब एक यूट्यूबर यूज़ कर रहा है तो मैं क्यों यूज़ करूँ भाई, तो इसीलिए हाँ यूज़ करेंगे, वक्त आएगा कभी कभी ऐसे ही मौज के लिए यूज़ करेंगे। अब अभी तो भाई सर्वाइवल सीरीज के लिए बिल्कुल ग्राफिक्स बंद भाई, बिकॉज एक चीज़ मैंने ध्यान दिया, अगर कोई यूट्यूबर यूज़ करता है मतलब तीन चार यूट्यूबर्स अगर यूज़ करते हैं तो भाई कोई यूज़ करता ही नहीं है। मैं हूँ और खतरनाक ऑन स्पॉट है और कौन है भाई, चपाती भाई के पास भी इतना, चपाती भाई के पास तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा पीसी है लेकिन नहीं यूज़ कर रहे। तो गाइस एक चीज़ समझ लो, मुझे माइनक्राफ्ट इस टेक्चर में खेलने कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, तो हाँ मैं इस पे खेलने वाला हूँ। तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट, कम से कम एक दो महीने के बाद वापस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वही दुनिया वही ब्लॉक्स वही घटिया वाले ग्राफिक्स वही मतलब क्या बोले यार, अभी माइनक्राफ्ट वालों ने अभी तक 1.17 निकल गया लेकिन अभी तक उन लोगों ने ये चीज़ फिक्स नहीं किया भाई, सच बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो मैं पहले खाना खा लेता हूँ, अभी कर रहा था मैं एंसेंट एवरेस्ट की माइनिंग, ये देखो भाई। एंड गाइज आप लोग सोच रहे मेरा कासल किधर गया, इतना अबे यार ये अभी क्या हो रहा है भाई, बार बार हटना। तो गाइज आप लोग सोच रहे होगे भाई मेरा कासल किधर गया, तो मैं एक रीज़न बताता हूँ, मेरा जो कासल है उसको मैंने एक दूसरे वर्ल्ड पे चेंज कर दिया, मतलब मेरा जो कासल का वर्ल्ड था उसको मैंने डिलीट कर दिया भाई, बिकॉज भाई वो टेक्नोगेमर्स का कॉपी मतलब सेम वर्ल्ड था तो हमको भी तो कुछ बनाना चाहिए ना। तो तब से मैंने ये पूरा एक महीना लगा के मैंने पूरा ही बनाया है, पूरा वर्ल्ड ये सब कुछ अभी तक बाकी है पूरा वर्ल्ड, लेकिन हाँ मैंने बनाया है। इधर इलाइट्रा भी है लेकिन हम भाई आपको तो पता है हम अपने पार्ट से चलेंगे, अभी हमने थोड़ी नेदरराइट का सामान है तो मैंने ले कर रखा है नेदरराइट का सामान। अभी मैं नेदरराइट की माइनिंग कर रहा था, देखो मेरे पास 20 एंसेंट एवरेस्ट है एंड अभी मैं जा रहा हूँ ये रखने के लिए, एंड वो हमारा टाउन हॉल है जो पीछे विलेजर टाउन हॉल, तो इधर हमारा इलाइट्रा पर एंड ये हमारी एंड ड्रैगन ऑफ गॉड स्वॉर्ड, दो स्वॉर्ड है मतलब ये हमारा दूसरा वर्ल्ड है ना भाई, मैं इस वर्ल्ड पर फुल ग्राइंड करके रखा है। ये देखो भाई ये एंड से लाया है, ये ओर कलेक्टर इसलिए इसका नाम है, बस क्विज सिल टच लगा हुआ है, रख इसको कैसे रखते हैं, मैं पता नहीं यार मेरा मैं कीज़ भूल गया, मैं कम से कम एक दो महीना मैंने माइनक्राफ्ट ही नहीं खेला भाई, मैं कीज़ भूल गया, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई कैसे होता है, मैं भूल गया, चलो बाद में देखेंगे अभी तो रिकॉर्ड करते हैं वीडियो। एंड गाइज आप लोगों ने शायद टाइम देख ही लिया होगा, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 बजे, मतलब मेरे पास दिन में फुल टाइम था रिकॉर्ड करने का लेकिन मैंने नहीं किया, बिकॉज मैंने आपको तो पता आज दिन में क्या तबाही वाली जीटीएस इंडियाज़ का न्यू वीडियो आया है, तो मैं टाइम बता देता हूँ वरना आप लोग सोचोगे भाई जीटीएस इंडियाज़ का वीडियो कब आया कमेंट्स में आप लोग लिखने लग जाओगे। तो आज रुक जाओ मैं तारीख देख लेता भाई, आज 14 अगस्त है, कल 15 है, तो इंडिपेंडेंस डे कब है, 15 तारीख को है पता नहीं भाई, जितने और जिस दिन होगा तो हाँ उस दिन मैं एक स्पेशल स्ट्रीम करूँगा एंड वो भी कौन सी की, BGMI प्लस नहीं
बीजीएमआई खेलेंगे, ठीक है? उस दिन हम बीजीएमआई खेलेंगे, बिकॉज मेरा मन है भाई बीजीएमआई खेलने का, लेकिन मैं नहीं खेल पा रहा बिकॉज मैंने मतलब बीजीएमआई पे आजकल मैं इतना ध्यान नहीं देता. और आजकल मुझे ज़्यादा खेलने में मन होता है वो क्या बोलते हैं SMP जो हमारा है हीरो ब्रैंड SMP 2, तो आप लोगों ने स्ट्रीम्स तो देख ही लोगी. तो एंड मैंने एक प्राइवेट SMP बनाया एंड वही यही वर्ल्ड है. मैंने इसका सोच के रखा कि मैं इसकी एक मस्त वाली स्ट्रीम करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने की नहीं. तो हाँ, देखते हैं भाई कब करना है, एक डेट मस्त से निकालेंगे, शेड्यूल करेंगे, उसके बाद मस्त से एक बार स्ट्रीम करेंगे सोनक के साथ. सोनक अभी मैं को कॉल कर रहा था कि भाई मेरे इस पे ज्वाइन हो जा, हम दोनों मिल के वीडियो बनाते हैं. वो कॉल ही नहीं पे कर रहा है, उसने बोला है वो कहाँ पर गया है. तो हाँ ठीक है भाई. तो गाइज ये जो जगह है ना, इधर कुछ बनने वाला है, जो इधर एक बहुत मस्त टावर बनने वाला है, बिकॉज मतलब हमारे SMP में बनने वाला है, इधर नहीं. बिकॉज इधर मैं बना के भाई क्या फ़ायदा भाई, SMP में बनाऊंगा मैं मस्त वाला टावर, लेकिन इधर नहीं, इधर हम कोई दूसरा चीज लगाएंगे, बनाएंगे. लावा का टेक्सचर देखो भाई, मैं लावा तुमको देखना चाहता हूँ. इतने एक दो महीने से टेक्सचर, पहले हम पहले खेलते थे उसके साथ. देखो गाइज ये मैं एक बार आपका वर्ल्ड दिखा देता हूँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वर्ल्ड कैसा लगा एंड कितनी मेहनत की है मैंने इस वर्ल्ड को ग्राइंड करने की, जरूर बताना. मैंने सही बोला, एक महीने लगा है, बिकॉज भाई यह नेदराइट का माइनिंग करने में हालत बिगड़ जाती है भाई. कम से कम मैं तो आजकल माइनक्राफ्ट, मतलब एक महीना पहले मैं माइनक्राफ्ट बहुत कुछ ज़्यादा ही खेलता था, लेकिन आज एक महीने के बाद जब तक जब SMP बन गया तब बंद हो गया भाई माइनक्राफ्ट खेलना. तो हाँ अभी देखते हैं गाइस, अगर आपको SMP की न्यू स्ट्रीम चाहिए मुझे डेट बताना कब करूँ मैं, बिकॉज भाई मैं कभी भी स्ट्रीम मैं कभी कभी लाइव आ जाता हूँ, लेकिन अभी मेरा जो शेड्यूल चल रहा है सैटरडे एंड संडे SMP की स्ट्रीम होगी सैटरडे एंड संडे, लेकिन संडे तो नहीं कर पाया. लेकिन हाँ ठीक है गाइस, SMP की स्ट्रीम सैटरडे एंड संडे होगी, नहीं तो सैटरडे हम SMP की नहीं, सैटरडे हम वीडियो डाल देंगे कोई मस्त वाला तबाही, एंड संडे हम करेंगे स्ट्रीम, ऐसा कुछ हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ करने का, लेकिन देखते हैं भाई. तो अभी मैं जा रहा हूँ सर्वाइवल मोड में, बिकॉज ये सर्वाइवल सीरीज है. तो हाँ हेलो, और क्या ये गाइज हमारा विलेजर हॉल, ये देखो गोलम्स. अबे इतनी जल्दी रात कैसे हो गई, सॉरी सॉरी भाई रात हो रही है गाइज, मैं जा रहा हूँ. एंड मुझे ये बताना कि ये जो ये आपको पता है, ये मैंने टेक्नो गेमर्स का जो उसने गोल्ड मेंशन बनाया ना, तो उसका मैंने कॉपी, मतलब उसका जैसा एक आइडिया सोच के वैसा बना, कॉपी नहीं है लेकिन उसका एक आइडिया लेके मैं ये चीज़ बनाया भाई. एंड ऊपर मैंने बीकन लगा दिया बिकॉज बहुत मस्त लग रहा है, बिल्कुल ओपी दिख रहा है, खतरनाक दिख रहा है बिल्कुल भाई. एंड अभी मैं जाके सो जाता हूँ, मेरे पास इधर दो दो डायमंड आर्मर है. मैंने बोला ना भाई इस वर्ल्ड में मैंने फुल ग्राइंडिंग करके रखी है. एंड सॉरी फॉर माइनक्राफ्ट का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया. तो हाँ मैं कल नहीं तो परसों, नहीं कल तो शायद से, अगर मैं गुवाहाटी वाले घर पे जल्दी पहुंच गया तो कल मैं एक स्पेशल स्ट्रीम करूंगा, ठीक है? मतलब कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ देखते हैं भाई. तो अभी मैं मेरी खेती कंप्लीट करता हूँ, तो ये हमारी खेती है, 1 2 3 गो भाई. एक खेती तोड़ने में मज़ा ही कुछ और है भाई, पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ मज़ा ही कुछ और है. मीम बन जाएगा, लोग बोलेंगे भाई क्या मज़ा ही कुछ और है, क्या तू स्लेप पॉइंट की कॉपी कर रहा है क्या? मैं नहीं कर रहा कॉपी, मतलब हाँ उन लोगों ने वीडियो डाला है, मतलब वीडियो में ये चीज़ बोला है, लेकिन उनकी कॉपी नहीं कर रहा. आप लोग हर बात में भाई कॉपी कॉपी बोलते रहते हो यार, ये गलत बात होती है, ठीक है? तो अभी मैं इधर एक खो चाहिए, मेरे पास है, लेकिन पता नहीं मैंने कौन से चेस्ट पर रख दिया, चेस्ट पर फुल सामान पड़ा हुआ है, लेकिन एक दो चेस्ट पे इतना इतनी ग्राइंडिंग नहीं. एक महीना पहले का वर्ल्ड है ये, एक महीना पहले मैंने जब SMP पब्लिक SMP जब मैंने बनाया था तब भी ये प्लानिंग चल रही थी कि ऐसा कुछ बनाना है बहुत मस्त टाइप का. तो हाँ मैं अभी इसको गायब कर देता हूँ. तो अभी खेती करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये देखो भाई ऐसे करते हैं खेती. एंड गाइस मुझे बताना, मेरे पास तो प्रीमियम अकाउंट है, अगर क्या मैं हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक की वीडियो डालूं,
मतलब आप लोगों से पूछ के ही मैं डालूंगा, बिकॉज अगर मैंने डाल दिया आप लोग बोलेगा भाई सारे यूट्यूबर डाल रहे व्यूज के लिए तो आप भी वही डाल लो भाई। नहीं आप लोग बोलो तो मैं डालूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं बोला तो मैं क्यों डालूंगा भाई। तो मैं पहले ये वीट की काम खत्म कर लेती हूँ, पूरा उठा लो वीट। और इधर रिसोर्सेस की बिल्कुल ही कमी नहीं है गाइस, इधर रिसोर्सेस। एंड गाइस अगर आपको ये प्राइवेट एसएमपी ज्वाइन होना है तो पहले एक अच्छा यूट्यूब चैनल ग्रो करो, उसके बाद ही आपको मिलने वाले हैं। वरना ऐसे नहीं डालूंगा भाई एसएमपी में, गिन चुन के बंदे लूंगा, कम से कम 40-30 सब्सक्राइबर्स होनी चाहिए ना, तभी तो एसएमपी में डालूंगा। मतलब 100 वाले यूट्यूबर्स तो ऐसे भी नहीं खेलने वाले, लेकिन जो भी हो भाई 40-50 सब्सक्राइबर्स तो होनी चाहिए। अगर मेरे से ऊपर भी हो लेकिन फिर भी मैं डालूंगा उनको, बिकॉज वो लिमिट होता है ना एसएमपी का। लेकिन हीरोबेन एसएमपी भी देखो सारे के सारे यूट्यूबर्स खेल रहे, तो हमारे जो ये प्राइवेट एसएमपी है हीरोबेन एसएमपी 1 नहीं हीरोबेन एसएमपी 2-3-5 शायद से, तो उस पर हम प्राइवेट मतलब यूट्यूबर्स ही लाएंगे, बाकी तो नॉर्मल बंदे तो नहीं खेलेंगे। जैसे सोनक भी एक यूट्यूबर है लेकिन उसका मतलब चैनल 30 सब्सक्राइबर है, इसके लिए मैंने उनको इंक्लूड किया। मतलब उसके लाइव स्ट्रीम पे बहुत बंदे भी अच्छे से आते हैं, तो हाँ भाई क्या क्या ज़रूरत है भाई। गाइस मैं सोनक को कॉल करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कि क्या ये आ सकता है वीडियो में। ठीक है गाइस आपके सामने मैं कॉल कर रहा हूँ, नंबर लीक हो जाएगा भाई, क्या करूँ मैं भाई, नंबर लीक हो जाएगा। गाइस भाई फोन नहीं पकड़ रहा, चलो भाई मैंने गलती से वो कर दिया। हाँ तो गाइस मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई फ़ोन नहीं पकड़ रहा, कोई बात नहीं भाई, कि मना किसी को भाई, अगर उसका मोबाइल है वो जो करे, मैंने उसको कॉल किया नहीं पकड़ रहा, मैं कल कॉल करूँगा उसको, क्या टेंशन है भाई। 1-2-3 देखना, मैं ऑटो क्लिक कर, मैं ऑटो क्लिक कर। लेकिन अगर आप एक लॉजिक पता है, जब आप ऑटो क्लिक करते हो तो आप ये जो चीज़ें तोड़ने के लिए ऑटो क्लिक मस्त होता है, लेकिन जब आप मतलब ऐसे किसी बंदे को मारते हो वो ऑटो क्लिक नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। माइनक्राफ्ट वालों ने क्या लॉजिक डाला है, किस लॉजिक में ये चीज़ किया है उन लोगों को पता नहीं। बस इधर तो सिंपल सी बात है, रियल लाइफ फिजिक्स तो इधर बिल्कुल ही काम नहीं करते भाई, इधर ना एक गोल ब्लॉक भी अगर देखे ना, मॉड से लाना पड़ता है गोल ब्लॉक, नहीं तो कोई प्लगइन डालना है, नहीं तो कोई रिसोर्स पैक डालना पड़ता है भाई, तभी आता है वो गोल वाला जो क्या बोलते हैं टेक्चर पैक, जो वो वाला आना पड़ता है उसके बाद ही होता है, वरना होता ही नहीं है भाई। पता नहीं इन लोगों ने कैसे लॉजिक पे ये चीज़ बनाया, लेकिन हाँ अपग्रेड करो माइनक्राफ्ट, थोड़ा अच्छा बनाओ, 1.18 दो एक साल बाद लॉन्च करो वापस। मैं तो ये चाह रहा कि मैं 1.17 खेलूँ, लेकिन मैं नहीं खेल पा रहा बिकॉज कमेंट्स तो आने चाहिए। अगर इस वीडियो पे आ गए, अगर गाइस एक सेकंड सुन लो, इस वीडियो पे अगर बहुत बड़ा एम है, इस वीडियो पे अगर 80 व्यूज आ गए, 80 व्यूज अगर इस वीडियो पे आ गए, पक्का भाई मैं माइनक्राफ्ट 1.17 पारा तो हुआ ही, मैं हर रोज खेलता हूँ, लेकिन मैं 1.17 में खेलूँगा भाई, श्योर भाई श्योर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है अगर इस वीडियो पे भाई मैं भूल गया, इस वीडियो पे 80 व्यूज आ गए तो मैं हाँ तब मैं 1.17 खेलूंगा, एंड मैं 1.17 की मस्त वाली स्ट्रीम भी करूंगा। अगर आपको एंड मुझे बताना कि मुझे सर्वाइवल ऐसे मतलब मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड की मतलब इस वर्ल्ड की क्या मुझे स्ट्रीम करनी चाहिए, बताना मुझे ये चीज़, बिकॉज भाई मैंने देखे है चपाती भाई भी अपने वर्ल्ड पे स्ट्रीम, नहीं थोड़े यूट्यूबर स्ट्रीम करते हैं अपने वर्ल्ड पे, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा स्ट्रीम ग्राइंड करेंगे, लाइव स्ट्रीम पूरा पूरी तबाही मचाएंगे, 1-2 घंटे की ऐसे मस्त वाली स्ट्रीम बन जाएगी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आने का अपने सर्वाइवल वर्ल्ड देखते, अगर किया तो हाँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ये चीज़। तो अभी मैं इधर ये चीज़ें रख देता हूँ, ये रखो इधर, मेरे पास रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी नहीं है भाई, वीट का पूरा चेस्ट मैंने अभी 1 महीना पहले ही भरा था, मेरे
मेरा वर्ल्ड बना रहा है, मैं सच में बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड बनाए हुए 2 महीने हो चुके हैं, तभी मैंने बोला कि 1 महीना, तो मैं भूल जाता हूँ, मैंने यार मैं भूल जाता हूँ भाई, मैंने 1 महीना से माइनक्राफ्ट नहीं खेला है। मैं थोड़े GTA San Andreas के वीडियो में फुल भाई फुल उस पर ही ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा टाइम। तो आज गाइस थोड़ी डायमंड की माइनिंग करता है, चलो भाई डायमंड की थोड़ी डायमंड्स इकट्ठे करके आता, मेरे डायमंड्स तो फुल है, लेकिन जो भी हो भाई मैं सोच रहा था कि एंशिएंट एवरेस्ट मस्त से माइनिंग करेंगे, थोड़ी वाट लगाएंगे अपने इसकी, लेकिन नहीं। और गाइस मैं अपनी इलाइट्रा इसीलिए लेके जा रहा हूँ बिकॉज अभी तक मेरे पास इलाइट्रा नहीं है, तो ये लो इलाइट्रा। एंड एक चीज मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है क्या मैं ये इलाइट्रा जब एंड सिटी से लाऊंगा तब आप मैं सोचूंगा कि मेरे पास दो इलाइट्रा, नहीं भाई, जब मैं एंड सिटी से न्यू वाला इलाइट्रा लाऊंगा तब मैं ये वाला इलाइट्रा बंद कर दूंगा भाई। बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, बहुत मार लो भाई, तुम लोग सारे के सारे मार लो भाई। अपना आर्मर भैया, शील्ड पता नहीं भाई केव में शील्ड की क्या जरूरत होती है, नहीं जरूरत होती है, जरूरत होती है केव में शील्ड की जरूरत होती है गाइस। ओके गाइस लेट्स गो भाई, मैंने मेरा मैम अपना चश्मा भूल गया भाई, अपना मतलब तगड़ा यूट्यूबर वाला चश्मा मैं भूल गया था, यलगार वाला चश्मा तो आपको पता ही है, बेस्ट इन पीस जो अभी पड़ा हुआ है मेरे साथ, मतलब नहीं मतलब जो बोलो भाई, और थोड़ा नीचे माइन कर रहा हूँ। ओ आयरन मिल गया भाई, मस्त 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 गाइस, आयरन मिल गया भाई, इसको करो माइन, और थोड़ा मिला, मैं थोड़ा स्ट्रेट डाउन डिगिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं होना चाहिए भाई, कुछ नहीं होना चाहिए मुझे, प्लीज कुछ नहीं होना चाहिए भाई। मैं टॉर्च उठा, ऑप्टिफाइन लगा के खेल रहे हो भाई, ये चीज सॉरी, मैंने सोचा भाई मैंने टॉर्च फेंक दिया, नहीं भाई नहीं फेंका मैंने, जो मैं देख तो क्या मैंने ऑप्टिफाइन का ऑन करके रखा है, फैंसी पे सेट कर दिया, बस हो गया। हाँ गेम क्या स्मूथ चल रहा है, लावा आ गया, लावा आ गया, लावा आ गया। ओके गाइस लेट्स गो भाई, अभी मेरा भाई वो हो गया था भाई, इनसफिशिएंट स्पेस हो गया था, तो हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने थोड़े वीडियोस डिलीट किए, मेरा पूरा भाई इतना तगड़ा पीस है, आप लोग सोच रहे भाई इनसफिशिएंट स्पेस कैसे हो गया, तो रीजन बताता हूँ मैं मतलब इतने गेम से इस लैपटॉप में किसने सोची ना होगी भाई, मतलब पेन ड्राइव में हार्ड डिस्क में इतने गेम से किसने सोची ना होगी भाई, सच बता रहा हूँ मैं। तो पहले मैं इधर से निकल लेता हूँ, ये मिल गया, यस अभी लावा भी नहीं परेशान कर सकता मुझे। मैं स्पेक्टेटर मोड में जा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं स्पेक्टेटर मोड में जाके मुझे डायमंड चाहिए, तो डायमंड स्पेक्टेटर मोड में भाई डायमंड ढूंढना बहुत इजी होता है, इधर पक्का डायमंड मिलेगा, तो अभी मैं इधर सर्वाइवल मोड जा रहा हूँ। यस थोड़ा ऑब्जीडियन भी कलेक्ट कर लो, पर तो अनलिमिटेड ऑब्जीडियन कलेक्टर है, मैं भाई देखती हूँ लगा कि मुझे अनलिमिटेड है। देखो गाइस पार्कोर करते हैं ऐसे, हमारे प्रो वाले बंदे ना ऐसे पार्कोर करते हैं, सिर्फ मैं करता हूँ। अभी गाइस मैं करने वाला हूँ सबसे खतरनाक जंप,
ये देखो भाई, उस रुक जाओ रुक जाओ एक मिनट, आज हम बनने वाले ड्रीम। तो क्या मैं, अगर आपने लाइक का बटन दबाया तो मैं उधर तक जंप कर पाऊंगा, 1 2 3। आप लोगों ने दबाए नहीं, ठीक है अभी अभी पूरा बोल रहा हूँ, 1 2 3 हो गया। उसके बाद ड्रीम बन के जाएंगे, ड्रीम जब लूटने आए हैं। देखो गाइस, देखो गाइस, लाइक का बटन दबाते रहो, मतलब लाइक का बटन दबाओ, मैं ऐसे पार्कोर करता रहूँगा भाई। अभी कुछ ज़्यादा ही पार्कोर हो गया। हाँ मत दबाओ लाइक का बटन, मैं गिर गया भाई। एक बार नीचे खोद के देखो कि क्या मुझे डायमंड मिलता है। रेडस्टोन तो मिल गया, डायमंड डायमंड प्लीज, डायमंड प्लीज, इतना रेडस्टोन मिल गया, डायमंड तो मिल जा। गाइस आयरन कलेक्ट करने की सबसे मस्त वाली ट्रिक, स्ट्रेट डाउन डिगिंग करो, स्पेक्टेटर मोड में जाओ, एक एक केव ढूंढो और उसके बाद एक होल में डिगिंग करते जाओ, उसके बाद आपको आयरन, कुछ ज़्यादा ही आयरन मिल जाएगा। अभी देख रहा हूँ मेरे पास 21 आयरन है, इससे मैं पूरा आयरन का आर्मर बना सकता हूँ। मैं का उसके लिए, इमरजेंसी के लिए मैं आयरन का आर्मर बनाऊँगा, ताकि नेदर में अगर हम कभी मरे तो। देखो मेरी पिकैक्स टूटी नहीं, ये देखो मेरे स्वॉट, मेरे पिकैक्स का नाम है पावर ऑफ गॉड, मतलब भगवान की पावर, सॉरी भगवान की ताकत, मैंने आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोल दिया, भगवान की ताकत, यस पावर मतलब ताकत, यस वही। मैं ये बिल्कुल कमेंट्री में लिख के नहीं रखा, मैं भाई अपने आप कुछ भी बोलता हूँ, हर वीडियो में यही सीन होता है, बिकॉज मैं कभी कभी कमेंट्री में कोई मतलब ऐसा कमेंट्री का कुछ भी मैंने नहीं बना कर, एक बार बस मैंने इंट्रो का वो बनाया था बस, उसके बाद तब से मैं कुछ भी कमेंट्री करता रहता हूँ, मतलब कुछ भी मैं अपने मन से कमेंट्री करता हूँ, मैं मतलब सोच के नहीं बोलता कि ये चीज़ बोलना चाहिए चाहिए कि नहीं, मैं सीधा अगर मेरे दिमाग में जो आता है मैं वही बोल देता हूँ। तो हाँ मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया, हाँ मतलब वीडियो के लिए हाँ ऐसा कुछ तैयारी करूँगा मैं, वरना भाई वरना मेरे साथ बहुत गलत सीन हो जाएगा, मैं जो बोलना नहीं चाहता वही मैं बोल दूँगा, तो वीडियो में सीन हो जाएगा भाई, कभी गलत वाला स्कैम हो जाएगा, सीन नहीं स्कैम भाई। ये देखो भाई, अब अभी मैंने बोला ना सीन नहीं स्कैम, मतलब ये मैं अपने आप से मतलब लाइनें बनाता जा रहा हूँ, एंड जो इंट्रो करता हूँ ना वो मतलब ये वो चीज़ मैंने खुद लिख के रखा है एक उस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, वो चीज़ ठीक है, लेकिन जो मैं अभी बोल रहा था ना वो बिल्कुल माई स्क्रिप्टेड है, वो मैं खुद बोल रहा हूँ, मतलब डायमंड है क्या इधर? हाँ इंडियन ड्रीम इज हियर गाइस, थोड़ी ड्रीम वाली टेक्निक करते हैं, अभी देखना अभी मैं ड्रीम बनने वाला हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ क्रिएटिव मोड में, क्रिएटिव मोड में जाने के बाद अभी देखना हम क्या करने वाले हैं। मुझे वो तो करना पड़ेगा ना, अबे F2 से स्क्रीनशॉट होता है, यस हो गया गाइस स्क्रीनशॉट हो गया। अभी मैं एक ड्रीम बनने वाला हूँ, ड्रीम बनने के लिए मुझे चाहिए एंडेसाइट, मतलब एंडेसाइट से ड्रीम नहीं बनता, लेकिन देखना भाई आप लाइक का बटन दबाओ, ऐसे दबाओ थोड़ा सा भी मैं नीचे गिरा ना भाई गलत स्कैम हो जाएगा मेरे साथ, मैं खुद पार्कोर बना, देखो गाइस ये मैंने चीज़ खुद मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन ये मैंने खुद मतलब बना के रखा है ये चीज़। मेरा टॉर्च भाई, हाँ भाई मेरा टॉर्च इम्पोर्टेंट होता है, मतलब टॉर्च इम्पोर्टेंट नहीं होता लेकिन मेरे लिए टॉर्च इम्पोर्टेंट होता है, बहुत मेहनत से माइनिंग करके टॉर्च जमा किया भाई। अगर गाइस हमको डायमंड मिलता है तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके मतलब
बिना सब्सक्राइब करके जाना ही नहीं वीडियो को, ठीक है? उसके बाद आगे देखते क्या होता है। मैं नहीं, इधर तो नहीं मिल रहा भाई मुझे। इंडियन ड्रीम बनने के चक्कर पे मेरा सीन हो गया भाई, स्कैम हो गया। चलो, कहाँ से आया था मैं? हाँ भाई, मैंने मैम मतलब, चलो ये लास्ट है, अभी देखना ये, ठीक है? अभी देखना मैं क्या करता हूँ। तो अभी मैं 2 कोबलस्टोन वेस्ट करने वाला हूँ। मैं 2 कोबलस्टोन से सीधा मैं उधर पहुँच पाऊँगा। और ये देखो, ये 1 कोबलस्टोन है, अभी देखना भाई मैं क्या करता हूँ। 1 2 3 एंड लेट्स गो। देखा गाइस, इसको कहते ओपी ट्रिक। टॉर्च, टॉर्च किधर गया? अबे मैं सोचा कि टॉर्च अगर मैं उधर लगाऊं तो सच में टॉर्च मेरे पास होगा। मिल गया भाई, मिल गया भाई। भाई मैं गाइस, ये देखो, इंडियन ड्रीम इज हियर। इंडियन ड्रीम, यस, ठीक है, इंडियन ड्रीम इज हियर। ऐसे करते पार्कोर लोग। ओ स्केलेटन, तेरी भैंस की आंखें, तेरा मुंह तोड़ जवा दूंगा। एक भी तीर लगनी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? देखो गाइस, अभी देखना क्या कर दूंगा। कुछ नहीं करता, ये चीज़ करना बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन चपाती भाई कर लेंगे। एंड हम तो, हमारे पास उज्जवल सर की स्किन है ना। अगर गाइस आप लोगों ने लाइक का बटन दबाया तो मेरे पास उज्जवल सर की सारे पावर आ जाएंगे, ठीक है? 1 2 3 एंड लेट्स गो। नहीं, हुआ था, एक मिनट हुआ था। 1 2 3 यार भाई, आप लोग लाइक का बटन नहीं दबा रहे हो भाई, दबाओ जल्दी फटाक से। जब दबाओगे तभी होता है, वरना नहीं होता। जल्दी दबाओ। 1 2 3 बहुत डेंजर एक से, एंड लेट्स गो। ये देखो, पोपट हो रहा है भाई मेरे साथ। रुक जाओ एक मिनट, वापस, ठीक है? अगर आप लोगों ने एक बार लाइक का बटन दबाया इसीलिए मैं एक बार कर पाया, तो वापस लाइक का बटन दबाओ। 1 2 एंड 3 एंड लेट्स गो। देखो, इंडियन ड्रीम, इसको कहते हैं इंडियन ड्रीम। मैं कहना अभी देख, एक मिनट, ऐसा करके मैं ऐसे से डबल क्लिक करके उठ गया। ये देखो, ये देखो भाई, इसको कहते हैं ओपी ट्रिक, ठीक है? आप लोग भी ट्राई करना कभी, अगर प्रो हो तो। जो लोग नूब है ट्राई मत करना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग नूब है वो लोग मत खेलो माइनक्राफ्ट, लेकिन ये ट्रिक्स ट्राई करने के लिए नूब बनना नहीं चाहिए। मिथपैट के वीडियो में मैंने देखा था, मिथपैट ने भी भाई कैसे पता नहीं कैसे कर लिया। मिथपैट ने मतलब वो बोर्ड से पता नहीं कैसे कर लिया भाई। देखते हम भी एक बार बनाएंगे रिएक्शन वाला वीडियो कभी, लेकिन अभी वक्त नहीं है रिएक्शन वाला वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हम अपना माइनक्राफ्ट जीते, तो अभी मैं थोड़े ड्रीम के स्टाइल में उधर एक ब्लॉक टेस्ट करूँगा एंड मैं ऐसे जाऊँगा। भाई गोल्ड क्या मस्त दिख रहा हूँ ऑप्टिफाइन में, मतलब ऐसा ही दिखता है क्या नॉर्मल में भी? बताना मुझे, ऑप्टिफाइन में खेल रहा ना, थोड़ा वो लगता है मतलब। तो हमारी ड्रीम वाली 35 आयरन, 35। भाई हमने कितनी माइनिंग कर ली। अगर मैं इतना माइनिंग अपने सर्वाइवल पे करता ना, अभी तक मैं डायमंड का गॉड बन जाता, सही में बता रहा हूँ। मैं ऑटो क्लिक कर रहा हूँ गाइस, देखना एफिशिएंसी। अबे एफिशिएंसी 5 लगा फिर भी माइन नहीं कर भाई, कर। ओ नेदर अच्छे से तोड़ता है ना? हाँ पता है मुझे, आप लोग बताना नहीं कमेंट सेक्शन में, लेकिन हाँ थैंक यू बताने के लिए, नेदर अच्छे से तोड़ते। मैं अभी और एक पिक करने वाला हूँ, जो आप लोग देख के रहना जाओगे क्या किया भाई इसने। मैं थोड़ा नीचे माइन कर रहा हूँ,
का नीचे बेल्ट रोक है, आसपास लावा है पक्का, श्योर हूँ मैं आसपास कहाँ पर लावा है, इधर डायमंड है, तो मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ एंड देखता हूँ कि कहाँ पर डायमंड है क्या इस साइड में, मैं खोदता। चलो मैं ऑटो क्लिक कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, सीधा ऑटो क्लिक कर रहा हूँ। देखो देखो ये कहाँ खोद रहा हूँ गाइस, डायमंड की भी एक ट्रिक होती है, आपको पता है जब आप डायमंड खोजते हो ना, तो आप डायमंड कैसे खोजते हो, हम दिखाते हैं डायमंड कैसे खोजते। ये करो, अभी देखना मैं क्या करता हूँ, मत करना। मैं सोच रहा था कि TNT लगा दूँ तो मुझे डायमंड मिल जाएगा, वो तो भाई एंशिएंट डेब्रिस वाली ट्रिक है, एंड इस पर कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, बस कभी कभी एंशिएंट डेब्रिस टूट भी जाते हैं। बेडरॉक में क्या तोड़ सकता है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। चलो ऊपर चलो, स्पेक्टेटर मोड में जाओ, तो स्पेक्टेटर मोड में आ गया बिकॉज मुझे डायमंड चाहिए था। तो मैं देख तो कहाँ पर डायमंड है, क्या डायमंड, डायमंड वेर आर यू डायमंड, इधर तो डायमंड नहीं है। मैं पूरे केव खोज रहा हूँ, इतना मैंने कभी इतनी अगर ग्राइंडिंग की होगी ना बचाने, बताना कभी। माइन शाफ्ट भाई, माइन शाफ्ट पे आ गया मैं, ओपी ओपी गाइस, ओपी 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 गाइस, माइन शाफ्ट भी पहुंच गए। एंड आपको पता है माइन शाफ्ट का मतलब क्या होता है, लैपिस लजूली डायमंड सब कुछ एक साथ ही हमको मिलता है, तो इसीलिए उठा लो। अबे एक मिनट मैं उठाता हूँ, फिर मेरा गेम अटक गया था बिकॉज मैंने इतनी माइनिंग की, इतनी माइनिंग की किसने सोची ना होगी। पहली बार मैं अपने माइनक्राफ्ट पे आऊँ, मतलब मुझे पता है इधर माइनक्राफ्ट था, जब मैं ऑफ ऑफ स्ट्रीम खेल रहा था, ऑफ वीडियो खेल रहा था, तब मैं गाइस 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 गोल्डन एप्पल भाई, गोल्डन एप्पल, मैं तेरी कोंचू स्केलेटन, तेरी भैंस की आंख, निकल, कमेंट्री करने भी नहीं देता भाई, पागल ही है। अबे गोल्डन एप्पल वापस, ओ भाई साहब मजा आ गया भाई, मतलब अलग ही वाला मजा आ गया भाई। गाइस भाई आज तो लॉटरी लग गई, आज है फुल तगड़ी वाली माइनिंग भाई, इस वीडियो को सब लोग देखना। एंड एंड मैंने क्या बोला, इस वीडियो पे अगर 80 व्यूज हो गए तो मैं खेलूंगा माइनक्राफ्ट 1.17 में, तो जल्दी कर दो यार फटाक से। उठाओ 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 सब कुछ, उठाओ 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 उठाओ, एक मिनट गाइस, वो चेक करने गया था कि मेरी माइक की तार कभी उलझ नहीं गई ना, वरना भाई वॉइस नहीं आती वीडियो में। चमकादर तेरी भैंस की आंख, निकल, गाइस मुझे बताना कि क्या माइनशाफ्ट पे, ये तो 1.6 3 भाई, मैंने मेरा चश्मा, यूट्यूबर वाला यूट्यूबर रैंक चश्मा, ये देखो यूट्यूबर रैंक नहीं है, लेकिन अगर एक यूट्यूबर रैंक का एक चश्मा भी मिलता है ऐसे, अगर मिलता है तो मुझे बताना कि ऐसे इधर आई यूट्यूबर ऐसा लिखा हो, मतलब ऊपर ऐसे, बताना अगर ऐसा हो, पता है हो, मतलब बना सकते हैं तो ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया क्या यार क्या था उसका,
क्या था उसका नाम? फोटोशॉप। यस, फोटोशॉप से कर सकते ना, फोटोशॉप से मतलब ये सॉफ्टवेयर होता है ना करने का ये सब। दुकान में आपको तो पता ही वो ग्लास पे मेरा फोटो डालने का, तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मुझे बता, मैं तो खुद ही कर सकता हूँ। मेन बात है इधर प्रिंटर नहीं, आराम से टेंशन नहीं है आपकी। मेरी माइक की तार बार बार उलझ जा रही है भाई, क्या मैं रुकना? हर वीडियो में क्या तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा क्या? और इस माइक की वजह से ना मैं परेशान हो चुका हूँ भाई। एंड गाइस, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, 26 अगस्त को मैं करने वाला हूँ एक स्पेशल स्ट्रीम। मतलब मेरा उस दिन बर्थडे है, तो इसलिए एक तगड़ी वाली 2 घंटे की स्ट्रीम करेंगे। देखते हैं क्या कौन सा गेम खेलना चाहिए उस दिन। मैं स्ट्रीम नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोग स्ट्रीम करते हैं। जैसे कैरी भाई का बर्थडे है तो कैरी भाई ने स्ट्रीम किया, तो हाँ मैं घोचू स्केलेटन। मेरा गेम अटक गया। बस स्केलेटन तेरी मैस यहाँ के यार, परेशान कर ले भाई तू। माइक सेट कर, उसको दिख नहीं रहा भाई, मतलब दिख तो नहीं सकता लेकिन जो भी हो। यार ये पिद्दी जॉम्बी निकल, सुन ये पिद्दी जॉम्बी बहुत परेशान करता है मुझे। जो वीडियो अगर मैं एसएमबी में खेलूँ ना, ये पिद्दी जॉम्बी, ये पिद्दी जॉम्बी की वजह से मैं परेशान होता हूँ एसएमबी में। डायमंड मिला क्या मुझे? नहीं, डायमंड नहीं मिला भाई। इधर कहीं आयरन है, ये रहा आयरन, उठाओ। आज फुल माइनिंग करने वाले, वीडियो स्ट्रीम का वीडियो का टाइटल ही होगा कि फुल माइनिंग। वी डू फुल माइनिंग इन माइनक्राफ्ट सर्वाइवल पार्ट जो है। तोरो भाई, तोरो इसको, इसको तोड़ो। यस, चलो और थोड़ा नीचे चलते हैं। प्लीज डायमंड गाइस, सबसे खतरनाक जॉम्बी, सॉरी पॉइजन स्पाइडर, ये तो मुझे देख नहीं था गेम में। मुझे ये चीज एक रैप्टा मारूंगा जाएगा भाई, पागल स्पाइडर। रुक जाओ गाइस। हाँ भाई, मेरा वो इफेक्ट चला गया एवे। और नहीं होगा ना कोई, और नहीं होगा भाई। ओ जॉम्बी इधर है सही भाई, जॉम्बी इधर है, जॉम्बी पता नहीं गाइस, पता नहीं भाई ये जॉम्बी, मैंने जॉम्बी का अभी आवाज़ सुन रहा था, पता नहीं भाई कहाँ चला गया। डरपोक जाओ। ओ भाई डायमंड, मैं बोल ही रहा था भाई गाइस। चलो गाइस, डायमंड मिल गया भाई। मैं माइनिंग, मैं सोच ही रहा था डायमंड मिलेगा। अभी इधर फॉर्चून 3 भी है तो 13 डायमंड मिले भाई, ओपी। मेरे पास चार डायमंड उड़ था, लेकिन 14 मिले भाई, ओपी। आयरन और भी उठा लो भाई इधर से, और डायमंड है क्या इधर? भाई इधर और डायमंड है क्या गाइस? भाई आज आप लोगों ने लाइक कर दिया एंड हमको डायमंड मिल गया। हर वीडियो में यही, हाँ यही सीन रखेंगे। हाँ भाई, ये चीज़ मस्त होगा। एंड इस बार मैं वीडियो बनाने से पहले मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा कि वीडियो में मुझे क्या बोलना चाहिए। हाँ मैं वीडियो में भाई कुछ भी बोल देता हूँ, मैंने कोई ये सब कुछ लिख के नहीं रखा है। मैं आपको पूरा, जब मैं सेटअप एक छोटा सा व्लॉग करूँगा, सेटअप तो नहीं दिखाऊंगा, मेरा पीसी तो उधर है, आरजीबी नहीं है, लेकिन जो भी हो, लेकिन पीसी तो बीस्ट है ना, इसीलिए। हाँ मैं एक बार व्लॉग करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरा
जो मेन सेटअप है वो मैं कैसे असेंबल करके रखें। रूम रूम टूर करेंगे भाई। यस भाई गाइज रूम टूर करेंगे। यस भाई चलो रूम टूर करें। अबे यार ये स्काइडर की भैंस की आंख, सॉरी स्ट्राइडर बोलते इसको ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। यस बस हमको और एक बार डायमंड मिलेगा क्या? 22 मिनट्स ओपी माइनिंग फाइनली हमको डायमंड मिला भाई फाइनली। और डायमंड है क्या इधर कहाँ पर? माइनशाफ्ट पे डायमंड मिलता है मुझे पता है। चलो और थोड़ा नीचे देखते क्या और डायमंड मिलता है क्या इधर कहाँ पर है क्या डायमंड? डायमंड नहीं इधर नहीं है। चलो और डायमंड नहीं है भाई। मेरे माइक यार मैं कसम से बता रहा हूँ मुझे मैम 100 के होने के बाद मैं एक न्यू माइक ले रहा हूँ यार। पर माइक ने परेशान करके रखा है। हर वीडियो में मेरा यही सीन होता है। एंड भाई अभी इस वीडियो का मेन मोटिव था कि हमको डायमंड ढूंढना है तो वो हमारा हो चुका है। अभी चलो अपने घर पे। एंड मैं सोच रहा था और माइनिंग करते और खेलते लेकिन नहीं और नहीं खेलते। चलो अभी वीडियो को एंड करने का वक्त नहीं हुआ है। 23 मिनट्स भाई कौन रिकॉर्डिंग करता है? कम से कम 40 मिनट्स तो करना चाहिए ना भाई। मतलब करना नहीं भी चाहिए बिकॉज कल मैं गुवाहाटी वाले घर पे जाने वाला हूँ। लेकिन जो भी हो भाई जो भी हो तो गाइस हमारे पास फुल डायमंड आ चुका है। ये डायमंड को मैं ये देखो मेरे पास दो दो नेदरराइट का वो है भाई देखो। और मुझे बताना कि मुझे डायमंड का आर्मर नेदरराइट का आर्मर पहन के मतलब नेदरराइट का आर्मर पहन के वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए कि डायमंड का आर्मर? और मुझे डायमंड का आर्मर कुछ अच्छा लगता है भाई। नेदरराइट का आर्मर जब से अपडेट डाला इन लोगों ने मतलब कुछ वो टाइप का लगता है भाई। काला आर्मर ऐसे भाई कोट पैंट जो होता है ना कोट पैंट जैसा लगता है नेदरराइट का आर्मर बिल्कुल। तो माइनक्राफ्ट वालों चेंज करो 1.17 में मतलब 1.17 में कुछ चेंजेस लाओ भाई। 1.18 में कुछ न्यू चेंज करो। आप लोगों ने बोला भाई वार्डन मॉब डालोगे, अभी तक डाला ही नहीं है वार्डन मॉब। वीडियो लोगों ने बनाया है लेकिन वो है ना मॉड है ना, लेकिन मॉड नहीं चाहिए हमको, ऑफिशियली वार्डन मॉब चाहिए जो नई माइनक्राफ्ट वालों ने डाला है। डालो जल्दी उसके बाद हम थोड़ा स्ट्रीम भी करेंगे उसकी। एंड गाइस ये चेस्ट पूरा भर चुका है। एंड इधर मैं अपनी हुई रख देता हूँ बस। इधर हमारा जाएगा कोबलस्टोन, बस हो गया गाइस। एंड अभी मैं थोड़ा विलेजर्स को लूट के आता हूँ। विलेजर्स को लूटने में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है भाई। मैप ऐसे ही मतलब मैं टॉर्च रखा ही जा रहा हूँ भाई। एंड गाइज मुझे बताना कि आपको शैडोस के साथ पसंद है। अब मुझे आप लोगों को तो भाई कमेंट्स में चाहिए ना, आप लोगों को तो वो चाहिए ना कि आपको ये पसंद है कि आपको शैडोस के साथ पसंद है जो मुझे यूज़ करना चाहिए लेकिन जो मैं यूज़ नहीं कर रहा। अगर मैं रेंडर डिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ा दूँ तो क्या होता है? तो मैं भाई मेरा गेम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। OBS में थोड़ा लैग होता है लेकिन जो भी हो भाई स्मूथ चल रहा है बिल्कुल। चलो भाई OP चल रहा है भाई OP। चलो मैं अभी रेंडर को कम कर देता हूँ वरना मेरे साथ ही स्कैम हो जाएगा भाई। अगर 16 का रखे तो लैग होता है क्या भाई? भाई 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 एक सेकेंड, मैं वही वाले सेटिंग करके रखता हूँ। कुछ ज़्यादा ही लैग हो रहा है मतलब OBS में कुछ ज़्यादा ही लैग हो रहा है। पता नहीं OBS में सेटिंग करना पड़ेगा मुझे उसका 64 चंक का। देखते हैं अगर करता है तो करता है। चलो अभी मैं जा रहा हूँ विलेजर हॉल में बिकॉज मुझे मौज करना है। विलेजर हॉल आई एम कमिंग।
जो एम ए, मेरे पास एम्ब्रेल्ड नहीं है, पद्दा हेल भाई, पूरा 200 एमरल्ड नहीं 600 एमरल्ड लेके जाऊंगा मैं। 600 क्रेडिट हो गए क्या मेरे के? नहीं, विलेजर्स से लूटते हैं थोड़ा। विलेजर आई एम कमिंग, कर दो विनिशिंग, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। ये क्या नॉक बैक वन? हाँ ये दे दो भाई, ये दे दो। ओ किताबें भी चाहिए, रुक जाना लिखवा रहा हूँ। विलेजर मैं एक मिनट आ रहा हूँ लेके, बस है नहीं यार। मैंने इतना ग्राइंड किया लेकिन मैंने अभी तक एम्ब्रेल्ड वो सब मैंने इकट्ठी नहीं किया। बस मुझे अगर होता तो मैं लाता ना भाई, इनकी ज़रूरत होती नहीं है मुझे। मतलब इतना सामान है, इतना वो है, लेकिन फिर भी मुझे इनकी ज़रूरत है। चलो विलेजर क्या दे रहा है भाई, मस्टर्ड करो ना भाई। नॉक बैक वन मेरा गाइस, एक ये मैंने नॉक बैक वन कर लिया, मैं टू कर लिया। ये मैंने दो दो नॉक बैक वन की बुक ले ली, बाद में चलते उधर। एंड अभी मैं ये दो बुक से मैं कंबाइन करके बनाता हूँ नॉक बैक टू, ठीक है। इधर ये डाला, इधर ये डाला, एंड इसका हम नाम रखते हैं गॉड बुक। नहीं गॉड बुक, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, नहीं करता मैं, मजाक कर रहा हूँ भाई। गॉड बुक रख दिया तो कसम से लोग सोचेंगे भाई क्या है एनचांटेड स्वॉर्ड पे गॉड बुक कोई लगाता है क्या। ये तो हमारा नॉक बैक टू बन गया। एंड इधर मैं अपना जितना भी एनचांट करने का चीज़ होता है वो मैं इस चेस्ट पे रखूँगा। यस और गाइस, और थोड़ी विलेजर को लूटते, थोड़ा मजा करता है विलेजर्स के साथ भाई। इस वीडियो पे मेरा जो मेन मोटिव है वो तो हो चुका है कंप्लीट। डायमंड ढूंढना था, माइनिंग करना था, वो हो चुका है कंप्लीट। अभी हम थोड़े विलेजर्स से पंगे लेते हैं, मतलब विलेजर्स को लूटते हैं थोड़ा भाई। रात हो गई, चलो गाइस सुबह मिलते हैं, सुबह 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 मिलते हैं भाई। भाई रात हो गई, एक सेकेंड मैं सोने जा रहा हूँ। तो रो हाँ चलो, मैं पूरा 40 मिनट्स रिकॉर्ड करके जाऊंगा भाई। 40 29 30 मिनट्स भी नहीं, 40 पूरा 40 श्योर, पूरा 40 रिकॉर्ड करूंगा। मैंने जो टाइम दिया है मैं उससे कुछ भी ना कम करूंगा ना ज़्यादा बढ़ाऊंगा, बिकॉज मुझे माइनक्राफ्ट खेलने में कुछ इस बार कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, बिकॉज माइनक्राफ्ट वैसा टाइप का गेम है ना। पहले जब मैं माइनक्राफ्ट खेलता था तब लगता था भाई, तब मैंने मुझे एक चीज़ नहीं आता था कि भाई क्रिएटिव मोड कैसे करते हैं माइनक्राफ्ट में। तब मैंने यूट्यूब में देखा कि ऐसा कमांड मारना पड़ता है, वो करना पड़ता है। पहले मुझे टीपी वाला कमांड भी नहीं आता था, पहले मैं पता चलता था कि कैसे टीपी करते हैं भाई, कैसे टीपी करते हैं। तो मैं देख देख के यूट्यूब से सीखा कि ऐसे टीपी करना पड़ता है। चलो यार तू क्या ट्रेड कर रहा है भाई, सीधा नॉक बैक टू दे दे भाई। थैंक यू, तू क्या दे रहा है? सिल्ट टच। तो दो दो बुक मैं ले लेता हूँ। तू क्या दे रहा है? क्विक चार्ज क्या दे रहा है तू? अबे नॉक बैक टू नहीं चाहिए मुझे भाई, फॉर्च्यून दे रहा है। ये फॉर्च्यून का एक लो, दो लो। चलो हमने थोड़ा और थोड़ी ट्रेडिंग कर ली। तू निकल ना विलेजर, कमीना पंती दिखा रहे भाई, ये विलेजर परेशान कर रहे हैं। एंड एक चीज जावा एडिशन में ये चीज ठीक है कि विलेजर बटन नहीं खोल सकते भाई, बेडरॉक एडिशन में तो कुछ अलग ही सीन है, बटन ही खोल सकते वो लोग भाई। तो अगर मैं फॉर्च्यून टू ही बनता है भैया, ये क्या बात है भाई। चलो फॉर्च्यून टू बनता है, फॉर्च्यून थ्री दो कोई, फॉर्च्यून थ्री दो भाई। क्या दे रहे हैं? नॉक बैक भाई, नहीं चाहिए मुझे नॉक बैक टू।
हाँ लूर 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 भाई, ये चाहिए ये चाहिए, देख लो फोटो क्या दे रहा है। फॉर्च्यून मैन भाई, फॉर्च्यून मैन मेरे पास है, मस्त वाली ट्रेड करना कोई। तू क्या दे रहा है, तू तो बुक्स दे, एमराल्ड दे रहा है, वो तो नीचे होंगे। कर्स ऑफ वेनिसिंग भाई, ये क्या फालतू टाइप के भाई, मैं ठीक है सब कुछ। हाँ कैसे करें, विलेजर को गाइस लूटता हूँ। विलेजर, हेलो विलेजर, क्रॉस हुआ कर टू और एक ही बार में दे दे भाई, दे दे क्या दे रहे भाई, ठीक है ठीक। ब्लास्ट प्रोटेक्शन फोर, ब्लास्ट प्रोटेक्शन फोर तो मैं ले लूँ, मतलब ले लूँ, लेकिन हाँ ले लेते, चलो वो ले लेते, ब्लास्ट प्रोटेक्शन टू बना दे रहे प्रोटेक्शन थ्री। तुम क्या सोच रहे हो, एफिशिएंसी थ्री भाई, ओपी विलेजर से फुल लूट मार हो गई। चलो जोर थ्री तो मेरे पास है, तो क्या दे रहे कार्ड्स ऑफ वेनिस, क्या दे रहे, क्या दे रहे फोर्टून माना, भाई नहीं चाहिए मुझे फोर्टून, अबे कर्स ऑफ, क्या कर्स ऑफ वेनिसिंग क्या करूंगा, बैन ऑफ आर्थोफोर्स फोर कर्स ऑफ ओपी, क्या लूट मचा रखी है इन लोगों ने भाई। एपी गाइस फुल ट्रेडिंग हो गई, अभी मैं इन बुक्स को रखता हूं उधर, फुल 40 मिनट पागल भाई, ओवरवर्ल्ड में आके एक जगह मैं रुकूं। ओके गाइस लेट्स गो भाई, एक मिनट। हाँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने सारे बुक्स ले लिए एंड मैं 3 मिनट के लिए ब्रेक में चला गया था, तो कोई बात नहीं ब्रेक में, तो ये जो बुक्स है इधर, अबे यार ये माइक की भैंस की आँख, बिल्कुल ही फालतू वाला माइक है भाई। देखो भाई ये देखो भाई, तार मैं इधर कर रहा हूँ वो जा रहा है उधर, उसकी वजह से मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। चलो चलो चलो, हाँ इस बार ठीक है, इस बार ठीक है। तो अभी मैं इधर, ना इधर नहीं तो सॉरी, हमारी ये चश्म तो ये वाली है ना, तो इधर मैं जितने भी ये बुक्स है ये सबको मैं संभाल के अच्छे से रख देता हूँ, ताकि जब बाद में कभी जरूरत पड़े तो हम लेंगे। एंड गाइज इस वीडियो में ना एक विदर को भी मारते हैं, चलो भाई, बिकॉज विदर भाई स्मार्ट 5 लगा हुआ है, ठीक है, एक चुटकी में विदर खत्म, एक चुटकी लगता है मारने में उसको।
तो क्या जरूरत है भाई। चलो गाइस विदर को मार के आते हैं इधर। विदर को मारने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है, तो ये स्कल उठाओ, स्कल लो, तीन स्कल, तीन स्कल मैंने ले लिए। तीन स्कल लेने के बाद मैं इधर ले लूँ सोल सैंड, तो ये मैं सोल सैंड लिया। एंड चलो गाइस अभी हम मारने चलते हैं विदर को। चलो मैं सोच रहा था कि माइंड शॉप में चलते हैं भाई, मौत मस्त से स्पॉन करेंगे, लेकिन नहीं, मेरा आइडिया बिल्कुल गलत था। तो अभी कुछ इस तरीके का, इस तरीके का गाइस हमको जिगा बनाना है। तो पहले मैं एक पूरा स्क्वायर बनाना है, तो पूरा परफेक्ट, ताकि विदर का आत्मा भी अगर इधर नहीं निकल पाए, तो ऐसा कुछ बनाना है मुझे। विदर अगर स्पॉन हो तो सीधा विदर की वाट लग जाए, बिल्कुल गलत वाला वाट। मैं बार बार ऑटो ऑडियो क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, बिकॉज भाई आप लोग को ऑडियो क्वालिटी मतलब थोड़ा सा भी खराब हुआ तो आप कमेंट्स में लिखने शुरू हो जाएगा, भाई क्वालिटी ठीक करो, क्वालिटी ठीक करो, रुक। मतलब मेरा माइक ही वही है, मैं तार को इधर हिल जा रहा है, मेरा उधर हिल जा रहा है भाई। स्केलेटन गैस के यहाँ के निकल भाई, तू बंती कर रहा है भाई। हाँ तो गाइस पूरा काम हो गया, एंड अभी मैं इधर लगा तो सोल सैंड इधर उधर नहीं जा पाए। तो गाइस फुल तैयारी हो चुकी है, एंड अभी बारी है विदर को स्पॉन करने की। तो गाइस सब लोग रेडियो के लिए मुझे एक चीज बताओ, तो ये दो हटाओ। हाँ यस, सब लोग रेडियो इस धमासान फाइट के लिए, मतलब तगड़ी वाली फाइट के लिए, धमासान नहीं मैं इफेक्ट। एंड विदर को मारने के क्या करना पता आपको पता है? विदर को मारने के लिए आप कुछ भी मत करो, जब आपके पास माइट फाइव हो, इफेक्ट गिव जो आपका नाम है डाल दो, उसके बाद ले लो नाइट विजन। बिकॉज अगर आपने इधर टॉर्च स्पॉन किया तो विदर तो टॉर्च तोड़ देगा, तो इसीलिए आप नाइट विजन ले लो, ऐसा कुछ टाइप कर दो ताकि ये अनलिमिटेड हो जाए। देखो हो गया मेरा अनलिमिटेड, देखो भाई हमेशा हमेशा के लिए मेरा अनलिमिटेड होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं सर्वाइवल में आ चुको है ना, अभी देखना ये एक, ये दो, तो मैंने जम देखा तीन। क्या लग रहा है? मैं मुझे लग रहा है मैं हारने वाला हूँ। नहीं नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। ओ माय हेल्थ बिल्कुल, ये 100 डैमेज दिया गलत वाला भाई। इसको कहते हैं चिंदी विदर भाई, ये देखो ए चिंदी विदर भाई, ये इसको कहते हैं चिंदी विदर पागल भाई। विदर हमसे पंगा लो गाइस, इसको कहते हैं प्रो ट्रिक, कभी अपना के देखो अपने वर्ल्ड पे। नहीं तो नाइट विजन का पोशन पी लो 8 मिनट का, तो भाई वाट लगने वाले विदर की 8 मिनट। क्या विदर को मारने में अगर स्माइट फाइव हो ना आपके पास, तो भाई गलत, तबाही मचेगी।
एंड आपके पास एक मस्त वाला बो होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास है एंड ऑफ गॉड। मतलब बो का नाम है एंड ऑफ गॉड, लेकिन मस्त भी है ये। एंड ऑफ गॉड मतलब समझ जाओ क्या है, अंत, अंत को भगवान ऐसा। हाँ, यस यस, पता नहीं क्या क्या मैंने। ओके गाइस, लेट्स को भाई। अभी मैं कर रहा था, दुख जो मैं दिखाता हूँ, अभी मैं कर रहा था ये वाली वीडियो एडिट। यार कैसे दिखाओ, अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो का वही पार्ट है जिसको मैं ऐड करने वाला हूँ। देखो अभी मैं कर रहा था ये वाली वीडियो थोड़ी एडिट। ये वीडियो मतलब आ तो चुकी थी, लेकिन यूट्यूब के वजह से तो नहीं आ पाई। ये वीडियो अभी मैं कर रहा था एडिट, जो जिसका जो सेकंड पार्ट था। फिर मेरा माइक काम ही नहीं किया एंड कुछ भी वॉइस नहीं आया, तो उसको मैं वापस एडिट कर रहा हूँ। तो भाई कल वीडियो आ जाएगी भाई, देखना सब लोग, ठीक है? मतलब आज मैं, आप लोगों ने टाइम देख लिया ना? हाँ, आज 8:22 है, 23 को वीडियो आ जाएगी, तो कल वीडियो आ जाएगी भाई, देख लेना सब लोग। चलो गाइस, अभी एक इंट्रो में आउट्रो में मिलते हैं, बिकॉज भाई हो चुका है यार पट, भाई जो पोपट होना था हो चुका है। चलो गाइस, आउट्रो में मिलते हैं। चलो गुड बाय।